हेलो फ्रेंड्स, जीवन ब्यूटी टिप्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूँ जीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नीम पाउडर बनाने का तरीका, कि कैसे आप घर पर नीम पाउडर बनाएं वो बताऊंगी। साथ ही नीम पाउडर आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो अपनी ब्यूटी के लिए, फेस के लिए और हेयर्स के लिए, ये भी बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सको। फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपको बहुत ही अमेजिंग और अच्छी रिजल्ट देने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी नीम पाउडर का यूज़ अपनी ब्यूटी के लिए करें तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आप नीम को तो जानते ही होंगे, ये हर एरिया में आसानी से मिल जाता है। साथ ही ये एक ऐसा हर्ब है जिसे मेडिसिन हर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीफंगस प्रॉपर्टीज़ बहुत ही मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें 140 ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाते हैं। नीम का यूज़ ना सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे कि सोप, फेस वॉश, क्रीम्स में किया जाता है, बल्कि इसका यूज़ मेडिसिंस में भी किया जाता है। होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेद में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें वे सारे गुण पाए जाते हैं जो हमारी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। तो आओ फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं नीम पाउडर बनाना। इसे बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और ना ही आपके पैसे लगते हैं। नीम पाउडर मार्केट में भी अवेलेबल होता है, बट अगर हम बिना पैसे खर्च किए ऑर्गेनिक चीज़ घर पर बना सकते हैं तो हम क्यों ना इसे घर पर बनाकर स्टोर कर लें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको बिल्कुल भी एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो आओ फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेने होंगे फ्रेश नीम के पत्ते। आप 30 से 40 पत्ते ले लें, उनको धोकर अच्छी तरह से सुखा लें। आप देख सकते हो कि मैंने पत्तों को धो लिया है। आपको इन पत्तों को 2 दिन में धूप में अच्छी तरह से सुखाना है। जब इनका अच्छे से मॉइस्चराइज उड़ जाए तो आपको ये पत्ते कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, ये पत्ते बहुत ही क्रिस्पी, आप वीडियो में देख सकते हो कि इन पत्तों का सारा मॉइस्चराइज उड़ चुका है। अब हमारे पत्तों का पाउडर बनाना बहुत ही आसान होगा। अब आप इन पत्तों को किसी मिक्सी जार में डालकर इनका पाउडर बना लीजिए। आप देखो फ्रेंड्स, मैंने पाउडर बना लिया है। पाउडर बनाने के बाद आपको नीम पाउडर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आप इस नीम पाउडर को किसी टाइट कंटेनर में डाल लीजिए और आप इस पाउडर को 7 से 8 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अब बारी आती है कि आपको इस पाउडर को यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने हेयर्स के लिए इस पाउडर को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपने किसी बाउल में 2 टेबलस्पून नीम पाउडर ऐड करना है और उसमें 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ऐड करनी है। अब इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से अपने हेयर्स की स्कैल्प पर लगा लें और 1 आवर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 1 आवर जब हो जाए तब आप अपने हेयर अच्छे से वॉश कर लें। फ्रेंड्स, आप वीक में ऐसे 2 बार करोगे तो आप देखेंगे कि आपके हेयर्स की डैंड्रफ, इचीनेस सारी रिमूव हो गई है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब बारी आती है कि हम नीम पाउडर का यूज़ अपने फेस के लिए कैसे करें। ये हमारे फेस से एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशंस, ब्लेमशेस सब कुछ रिमूव कर देता है। इसके लिए आपको किसी बाउल में 2 टेबलस्पून नीम पाउडर ऐड करना है और उसमें 2 टेबलस्पून करड़ जाने की दही ऐड करना है। अब आपको इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर अपने फेस पर, नेक पर अप्लाई कर लेना है और 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही इसको छोड़ देना है। जब आपका फेस पैक ड्राई हो जाए तब आप उसे नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लें। आपको वैसा वीक में 2 से 3 बार करना होगा। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका फेस कितना फेयर, ग्लोइंग एंड पिंपल फ्री हो गया है। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक है। आप भी यही तरीका जो मैंने बताया है
इसी तरह से नीम पाउडर घर पर बनाएं और उसे यूज़ करें। ये एक फ्री की चीज़ है जो हमें नेचर ने दी है, आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये मेरी वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें। और एक बात, मैंने बहुत से हेयर मार्क्स और फेस पैक बनाए हैं नीम पाउडर के ऊपर, अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।